दोस्तों दिल्ली शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स की एक और लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी लिस्ट 3 अक्टूबर 2022 को री एलोकेशन ऑफ गेस्ट टीचर्स इन एडेड स्कूल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर TGT PGT PRT सभी सब्जेक्ट के हैं। और बड़ी लिस्ट है यहाँ पर, सबसे पहले हम देखेंगे तो मोतीलाल स्कूल हैं, सॉरी मोतीराम मेमोरियल स्कूल, और यहाँ पर देखो वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग आप स्कूल देख सकते हैं। ये सारे इतने सारे जो है पूरी लिस्ट यहाँ पर 5, और ये 5 टीचर्स जो है ये मोतीराम मेमोरियल स्कूल इनको अलॉट किया है। उसके बाद देखोगे तो दूसरा स्कूल है आपका वो है मुखर्जी मेमोरियल स्कूल, और यहाँ पर आप देखो सुनीता पाल, पुनीता शर्मा, रुचि अग्रवाल, मोनिका शर्मा, और इसी के साथ यहाँ पर 7 टीचर्स को मुखर्जी मेमोरियल स्कूल भी अलॉट कर दिया है। उसके बाद तीसरा लिस्ट हमारे पास है वो है श्री फूलचंद वैस, और यहाँ पर 2 टीचर्स को अलॉट किया है। उसके बाद रामजस एडेड स्कूल है, तो आप यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 7 टीचर्स को स्कूल अलॉट कर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं SBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर 3 टीचर्स हैं जिसमें कि कंप्यूटर साइंस PGT भी है। और उसके बाद छठा हमारे पास है कस्तूरबा बालिका विद्यालय, और यहाँ पर 3 टीचर्स को यहाँ भी अलॉट कर दिया है इन्होंने। सातवें आदर्श सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पर 5 टीचर्स इस स्कूल में भी अलॉट कर दिए हैं। गोविंद राम गुरुकुल में एक ही टीचर है TGT मैथ का, पूनम। और इसके बाद हमारे पास है SRSD एक स्कूल, सरला देवी 1 टीचर्स को अलॉट कर दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम संत निरंकार स्कूल, और यहाँ पर 4 टीचर्स को अलॉट किए हैं। तो इसी के साथ ही आप देख सकते हैं DAV है, गोविंद राम गुरुकुल स्कूल में एक और टीचर है। साथ में देखोगे श्री गुरु अर्जुन देव, एक हकीम अजमल है, और एक साथ काफ़ी बड़ी लिस्ट जारी कर दी है दिल्ली शिक्षा विभाग ने। और भाई जोगा सिंह में 12 टीचर्स अलॉट कर दिए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 टीचर्स आपको, तो काफ़ी सारे एडेड स्कूल हैं, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, अपने स्कूल का नाम चेक कर सकते हैं, वर्किंग डेज भी आप देख सकते हैं अगर आपके इसके ज़्यादा वर्किंग डेज हैं और आपको स्कूल अलॉट नहीं किया आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में E5 ब्रांच में आप इसकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और नेक्स्ट लिस्ट में आपका भी नाम स्कूल अलॉटमेंट के साथ जारी कर दिया जाएगा। और ये बड़ी लिस्ट है, लगभग 200-300 यहाँ पर टीचर्स को एक साथ स्कूल अलॉट कर दिए हैं, और वर्किंग डेज मिनिमम वर्किंग डेज पर भी स्कूल अलॉट कर दिए हैं। और यहाँ पे देखो सभी के सभी ये सारे एडेड स्कूल हैं, और एक के बाद एक तो 31 स्कूल है, 32 स्कूल। और इस वीडियो को आपने लाइक करके ना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि जिन तक ये जिनका नाम है इनको स्कूल अलॉटमेंट की जो अपडेट मिले। और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी टीचर्स आपको 7 वर्किंग डेज में स्कूल में रिपोर्ट करनी है जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है। साथ में अगर आप इस तरह से रिपोर्ट नहीं कर पाते तो आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आपको क्या करना, अपना एक्सपीरियंस लेटर साथ में लेके चलना है जिसमें कि वर्किंग डेज मेंशन किए जाएंगे। तो चलिए इसी तरह से नई अपडेट आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।